चीफ मिनिस्टर पंजाब मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा की खसूसी तवज्जो उन हमारे माशरे के अफराद की तरफ आई और उन्होंने इस प्रोग्राम का सोचा और उसको इतने कलील मुद्दत में हुकूमत में आने के बाद उसको अमली जामा पहनाया और उस प्रोग्राम के तहत हमारे जो स्पेशल पर्सन हैं मुआशरे के, और जिस तरह असीफ साहब ने बताया कि वो जो नॉट फिट टू वर्क, जो नौकरी या कोई काम करने के काबिल नहीं हैं, उनकी मदद के लिए ये हिम्मत कार्ड का इजरा किया गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हिम्मत कार्ड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और चीफ मिनिस्टर पंजाब की हिदायत के ऊपर मैं खुद यहाँ पर आपके सामने हाजिर हूँ और आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत पंजाब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा ये कोशिश की है कि हमारे मुआशरे के तमाम तबका और खुसूसन वो लोग जो गरीब हैं और बेरोज़गार हैं और जो काम करने के काबिल नहीं हैं, उनकी मदद की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये फ़ख्र है अपनी क़यादत के ऊपर कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी, उन्होंने भी अपने दौर में और आज भी बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो, और मियाँ नवाज शरीफ साहब हमारी पार्टी की क़यादत करते हुए अब उनकी सरपरस्ती और सरबराही में हम तमाम लोग एक टीम की तरह काम करते हैं। और मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जितने इनिशिएटिव हैं उनकी निगरानी भी अपने ज़िले में उन्होंने क्योंकि मेरे ज़िम्मे की है तो मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी ये इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उनको उसी तरह उन पर अमली जामा पहनाया जाए जिस तरह हुकूमत पंजाब और चीफ मिनिस्टर पंजाब का विजन है। और ये आप यकीन रखें कि किसी भी शोबे में होगा, चाहे वो तालीम के शोबे में हो, चाहे वो ज़रात के शोबे में किसान कार्ड की सूरत में हो, चाहे वो ट्रैक्टर स्कीम हो, चाहे वो कोई भी इनिशिएटिव जो है जो हमारे जिस तरह सुथरा पंजाब, साफ सुथरा पंजाब का इनिशिएटिव है, ये तमाम काम हुकूमत पंजाब अपनी आवाम की भलाई के लिए और फ़ायदे के लिए कोशिश है कि इंशाल्लाह हम पंजाब को बाकी अजला जो पंजाब के अंदर जिनको हम समझते हैं कि वो हमसे बहुत बेहतर हैं, हमारी कोशिश ये है कि हम अपने ज़िले को भी कम अज़ कम उन अजला के बराबर ज़रूर सहूलियात मैसर कर सकें, उसके अंदर चाहे वो सड़कों की सूरत में हो, चाहे कॉलेजेस और स्कूल्स के, और ये क्योंकि टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हम खड़े हैं तो इसकी बेहतरी भी अगर हो, मैंने पिछले भी अपने दौर में कोशिश की और आप भी कोशिश होंगे इंशाल्लाह इसकी बेहतरी के लिए, और उसके लिए अलहदा इंशाल्लाह हम प्रोग्राम करेंगे। आज क्योंकि हिम्मत कार्ड का ये प्रोग्राम है, आप जो भी माशरे में, मैं इस प्लेटफॉर्म से ये पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा कि अगर कोई भी हमारी तहसील का, हमारे हलके का, हमारे ज़िले का कोई भी फ़र्द ये समझे कि उनके घर का कोई फ़र्द ऐसा है जो इस क्राइटेरिया पे, जिसका असिस्टेंट डायरेक्टर साहब ने जिक्र किया, उस क्राइटेरिया पे वो पूरा उतरता है और वो किसी वजह से रजिस्ट्रेशन से रह गया है, उसके लिए वो रब्ता करे। इंतज़ामिया भी मौजूद है, सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट भी मौजूद है, आप इनके साथ रब्ता करें और अगर आपको उसमें कोई मसला आता है तो आप मेरे पास आएँ, मेरे दरवाजे हमेशा हम आपके लिए आगे भी खुले थे और आज भी इंशाल्लाह हर वक्त मैं हाजिर हूँ। अगर कोई गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी किसी किस्म का आपको दुश्वारी आती है तो उसमें आपकी रहनुमाई भी की जाएगी और आपकी मदद भी की जाएगी, और तमाम लोग जो मुस्तहिक हैं इंशाल्लाह बिला तफ़ील हम उनको न सिर्फ रजिस्टर करेंगे बल्कि कोशिश करेंगे कि उनके लिए भी ये हिम्मत कार्ड का इजरा हो और वो इससे पूरा इस्तेफादा हासिल कर सकें। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा और दुआगो हूँ
कि अल्लाह ताला हमारी हुकूमत को, हमारी क़यादत को ये हिम्मत तौफीक दे कि वो उनकी सरपरस्ती में हम आवाम की जिस तरह खिदमत करने का जो बेड़ा हमने उठाया है उसमें हम सुरखरू हो सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो।